नमस्कार दोस्तों, अभी कल हमने ख़त्म किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। एक रिसर्च की कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी कैसी कैसी ट्रेड्स होती हैं, एक रिसर्च कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कि हम उसको एक रिसर्च कहें और एक अच्छी रिसर्च कहें। तो अब हम समझ चुके हैं कि एक बेसिक रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए। तो अब हम क्लासीफाई करेंगे रिसर्चेस को। क्लासीफाई मतलब हम उसके कितनी तरह की हो सकती हैं हम ये बताएंगे। देखिए, रिसर्च का सब्जेक्ट एरिया बहुत बड़ा है और हो सकता है कभी कभी एक ही सब्जेक्ट एरिया में से बहुत दो तीन तरह के कॉन्सेप्ट आते हों कि यार हमें अभी ना सिर्फ इतना डाटा चाहिए कि हमें सिर्फ सवालों के जवाब चाहिए कि हमें जस्ट ऊपर ऊपर से पता करना है, फिर आ जाएगा कि हमें अंदर से पता करना है, फिर सोचेंगे कि नहीं हमें और डीप जाना है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के कि किस तरह का ज्ञान चाहिए उस सब्जेक्ट पे, डीप चाहिए, ऊपर से चाहिए, उससे अप्लाइड दूसरे फील्ड में क्या अफेक्ट हो रहा है उसका चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं उसी स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है उसका ज्ञान चाहिए। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या, उसके ऑब्जेक्टिव हैं क्या, वो करना चाहता है, आउटकम, रिसर्च के आउटकम पे उसको क्लासिफाई किया जाता है, लॉजिक, डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिक लगाया जा रहा है रिसर्च में, कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है, उस तरह की रिसर्च के हिसाब से भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के थ्रू हम रिसर्च के कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, इंक्वायरी मोड, कैसा इंक्वायरी मोड यूज़ किया जा रहा है रिसर्च में, कौन से आइडिया और कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा रहा है। तो हम एक एक करके समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि मेजर क्लासिफिकेशन यही है, किसी भी बुक में पढ़ेंगे यही मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम ऑफ द रिसर्च, लॉजिक इन द रिसर्च, प्रोसेस फॉलोड इन द रिसर्च, इंक्वायरी मोड यूज इन द रिसर्च, आइडिया एंड कॉन्सेप्ट फॉलोड इन द रिसर्च। अभी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव पहला जो है वो यूज़ करते हैं, थोड़ा बड़ा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही क्योंकि इसके काफ़ी सारे बाइफर्केशंस हैं। ऑब्जेक्टिव्स कि मतलब एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव के रूप में हम क्लासिफिकेशन करें कि ये क्या कर उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव को उद्देश्य कहा जाता है कि उद्देश्य क्या है इसका, क्या हासिल करना चाहते रिसर्च। देखिए, इसमें सबसे पहले टाइप की है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, ये लगभग थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, बाकी एक ही जैसी हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिसर्च है तो थोड़ा थोड़ा इनमें रिलेशंस है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस होगा जो इनको अलग करेगा। एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लोरेटरी। देखिए, एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन करने वाला, एक्सप्लेन से बना है, एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंटल, और एक्सप्लोरेटरी बना है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर जो करते थे पहले नेशन एक्सप्लोरेशन मिशंस वगैरह, उससे वर्ड बना है। तो हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन वर्ड से बना है, डिस्क्रिप्शन बना है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब किसी का बखान करना है, बताना कि बताना यार ऐसा होता है ये। इट कैन आंसर क्वेश्चन सच एज व्हाट इज और व्हाट वाज, मतलब क्या था या क्या है, क्या, क्या का जवाब कौन देगा, डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक तरह से मान लीजिए ऐसी रिसर्च है कि ये इसको जो बोला जाएगा वही करेगी, ये चुपचाप खड़ी हो जाएगी, इसको बोला जाएगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेके आएगी, कैसे ला रही, छीन के ला रही, मार के ला रही, मतलब नो इमोशन इन्वॉल्व, नो कोई फालतू की इसमें कोई एडिशनल इनपुट ये देता है, इसको जो बोला जाएगा वो करेगी। तो इसका मतलब ये है ये एनवायरमेंट को चेंज नहीं करता, इसको सिर्फ इतना बोला जाता है कि आप उस एनवायरमेंट को डिस्क्राइब करो, आप कुछ चेंज मत करो, वहाँ पे जाके ये चेंज करके देखे तो ये होता ना, तुमको बोला गया सिंपल जैसे बोला गया कि भाई ये जाओ ये पर्चे बांट के आ जाओ, नया कोचिंग सेंटर खुला है, ये रिसर्च जाएगी बांट के आ जाएगी। तो इसका ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि ये एनवायरमेंट में कोई चेंज नहीं करता, कोई चेंज नहीं होता एनवायरमेंट में, जैसा आता है वैसा ही लाके दे देता है, ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको कोरिलेशन और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ भी कहा जाता है, कोरिलेशन रिसर्च भी आगे आएगा लेकिन इसको मिलते जुलते वर्ड्स ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा हम आगे देखेंगे। कोरिलेशन या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है, देखिए इसको खाली ऑब्जर्व करना है, खाली देखना है चीज़ को, इसको कुछ अपना ज्ञान एडिशनल नहीं देना उसमें। तो ये वाली रिसर्च जो है ये कोरिलेशनल रिसर्च है, कोरिलेशन मतलब ये उतनी चीज़ों का रिलेशन में चीज़ें लेके आती है कि एक चीज़ दिया उसके रिलेशन वाली चीज़ उठा ली, या फिर इसको ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कहा जाता है कि ऑब्जर्वेशंस
स्टडी करके लाती है, ऑब्जर्वेशन लेके आती है, ऑब्जर्व करती है, देखती है और वो डाटा लेके आती है। कोई भी स्टडी जो कि पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल नहीं है, मतलब ट्रूली एक्सपेरिमेंट, नॉट ट्रूली एक्सपेरिमेंटल, मतलब उसमें अगर हल्का सा भी अंश है, पार्ट अ लिटिल बिट ऑफ चांस इज देयर, इट इज एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं है। अगर वो जरा सी भी डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंटल है, उसमें मतलब एक्सपेरिमेंट का चांस है, तो डिस्क्रिप्टिव नहीं। डिस्क्रिप्टिव मतलब नो एक्सपेरिमेंट। कुछ लोग होते हैं ना जिनका बस एक साइड में दिमाग चलता है कि नहीं भाई हमें तो एक्स्ट्रा नहीं कुछ नहीं करना, उस टाइप की रिसर्च है, इसको बोला जाएगा ले भाई ये क्वेश्चन है आंसर लेके लेके आएगी, तो एक तरह से ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसा है वैसा डिस्क्राइब कर दो, ये इस रिसर्च का मेन मोटो है, जैसा है वैसा बता दिया। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज विद एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन, मतलब वही है कि सर्वे में बता रहा था कि इसको जाना है, नोट करना है चीज़ें, लेके आ जाना, बस इतना ही काम है इस रिसर्च का। अब एग्जांपल भी देखेंगे हम। अब एक ह्यूमन रिसर्च है वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, क्योंकि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है नेचुरल लेकिन हेल्थ बिहेवियर एटीट्यूड वगैरह के बारे में, गया हाँ भाई हेल्थ ऐसी होती है, बिहेवियर ऐसी होती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी में उसको छोड़ा जाए उस रिसर्च को, तो कलेक्ट कर ले आएगी। अब एक सीधा सा एग्जाम्पल देखिए, अब ये एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बोल रही है कि मुझे डाटा चाहिए कि क्रॉप पैटर्न क्या क्या है डिफरेंट स्टेट्स के, तो ये जाएंगे महाराष्ट्र में भाई कपास है और गन्ना है, राजस्थान में बाजरा है, गेहूं भी है, सरसों है, कहीं कहीं चावल भी है, ऐसे करके ये सिर्फ डाटा ला के दे देगा। इसको कुछ नहीं करना कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों जहाँ कुछ नहीं, सिंपल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दैट इज ओनली ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्व कर रही है, ला के डाटा दे रही है, बात खत्म। स्कूल प्रिंसिपल चाहता है कि भाई मेरा रिजल्ट जो है वो दूसरे स्कूल के कंपैरिजन में कैसा रिजल्ट है, सिंपल है, पास फेल का डाटा यहाँ से लिया, पास फेल का डाटा दूसरे स्कूल से लिया, कंपेयर किया, परसेंटेज निकल गई, फिक्स चीज, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं है, सिंपल जाएगी पढ़ के फैक्ट्स को लेके आ जाएगी, मतलब एक तरह से फैक्ट लविंग रिसर्च है, फैक्ट्स पढ़ेगी, चीजें देखेगी, नोट करेगी, लेके आएगी, सर्वे, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज, ये सब यूज किए जाते हैं इस तरह की रिसर्च में। अब कुछ और तरह की रिसर्च है जो इससे लिंक्ड है, इनको थोड़ा ध्यान दीजिए, कई बार पूछी गई है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसी है इनमें कुछ कुछ चीजें, एक्स पास्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल, एक्स पास्ट फैक्टो, एक्स पास्ट जिसको फैक्टो जो चीजों को बोला जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है जिसका मतलब है जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं उनका हम स्टडी करेंगे कि भाई ऐसा पास्ट में हो गया, और हम इवेंट के घटने के बाद ये इंक्वायरी शुरू होती है, एक तरह की पोस्टमार्टम इंक्वायरी है कि हो गया उसके बाद पढ़ना शुरू किया, और ये कहीं कहीं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का भी सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें कॉज और इफेक्ट कि क्यों हुआ था और इसे क्या इफेक्ट हुआ, ये कैसे पता चलेगा, जब हम किसी इवेंट का अक्रंस हो जाएगा तभी हम पता करेंगे कि हाँ भाई कॉज क्या था इसका, पुराना कॉज खोजेंगे, अब इसका इफेक्ट क्या है, क्या हुआ, ये मतलब एक तरह से पोस्टमार्टम स्टडीज को बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड, वेरिएबल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च में, वो जब रिसर्च डिजाइन बताएंगे तब बताएंगे, इतना ध्यान रख लीजिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ये वो वेरिएबल हैं कि जो मतलब फ्री होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, ये चेंज होगा तो वो चेंज होगा, ये ऐसा है कि ये पहले चेंज होगा, मतलब ये फर्स्ट आता है चेंज, तो ऐसे वेरिएबल्स इसमें कैंट बी मैनिपुलेट, इसीलिए थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव टाइप की रिसर्च है, क्योंकि इसमें देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिए, डेंगू पर हाइजीन का इफेक्ट, ये एक्सपेरिमेंटल इन नेचर होती है, डेंगू पर हाइजीन का इफेक्ट, ये एक तरह का एक्स पास्ट फैक्टो रिसर्च में काउंट करते हैं इसको, क्यों, क्योंकि डेंगू जो अकर हुआ फिर हाइजीन पे उसका इफेक्ट नोट किया गया कि हाइजीन कैसी थी जहाँ जहाँ ये हुआ, तो एक तरह से इवेंट हुआ और उसके बाद जस्ट हम पहुँच गए उसकी पोस्टमार्टम करने के लिए कि भाई
डेंगू से हाइजीन का इफेक्ट क्या हुआ, लोग मर गए, अब हम उसका पोस्ट फैक्टो रिसर्च करेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल होती है नेचर में, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा लिंक करके पढ़ेगी उन चीज़ों को, इसलिए। दूसरी टाइप की रिसर्च है हिस्टोरिकल, नाम से पता चल रहा है, पास्ट इवेंट्स को स्टडी करेगी, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगी। नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ओनली फोकस ऑन द पास्ट ओनली, ये सिर्फ पास्ट इवेंट को स्टडी करेगी, बता देगी भाई ये। तो ये भी देखो डिस्क्रिप्टिव टाइप में आई, वहाँ भी ज़्यादा खेल नहीं करना है, यहाँ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था क्योंकि इसको थोड़ा सा रिलेशन बनाना था, यहाँ इसका कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर वेरिएबल्स जो है कुछ कर छेड़ना ही नहीं उनको भाई, जो है लेके इकट्ठा ला के कॉपी नोट करके ला दो। अब एनालिटिकल, इसके नाम से पता चले यूज ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, जो फैक्ट्स एंड इन्फो जो अवेलेबल है, जो छोटे छोटे डाटा अवेलेबल है उनको लेकर ही क्या करेगा, ये क्रिटिकली इवेल्युएट करता है, मतलब एक तरह से डीपली इवेल्युएट करेगा किसी भी मटेरियल को या सिचुएशन को। तो हम जब डीपली किसी को ज़्यादा स्टडी करना है, जैसे हिस्ट्री की कोई इवेंट है, उस समय कुछ ऐसा हुआ कि बार बार लड़ाई हो रही थी भारत में, तो ये उस समय के आसपास के सभी राज्यों की स्टडी करेगा, विश्व का कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, क्यों ऐसा हुआ, और ये फिर उसको और डीपली एनालाइज करेगा, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च में नहीं पता कर पाएगा, लेकिन एनालिटिकल रिसर्च उसको दे देगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा था, यहीं ख़त्म होता है, बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आगे भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।